अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू गाइस, नेक्स्ट वीडियो हमारा स्टार्ट है। अभी हम इडली का रेसिपी डालने जा रहे हैं। इसके लिए हम नारियल ली हूँ, हरा मिर्च ली हूँ, लहसुन लूँगी और उसके बाद मैं मूंगफली और चना दाल को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे गाइस। तो उसको हम थोड़ा सा इसका चटनी बनाएंगे। अब जो हमारा फ्राई हो गया उसको हम मिक्सर जार में डाल के हम थोड़ा उसको पीस लेते हैं। तो हमारा पीसा हो चुका है, देख रहे हैं। उसको हम अभी इसको निकाल के उसके बाद हम थोड़ा एक कढ़ाई में ऑयल डालेंगे गाइस। ऑयल डाल के सरसों का ऑयल लिए हैं, उसमें हम छोंक मारेंगे हमारा जो चटनी पिसाया है। तो उस चटनी को हम अभी छोंक मारेंगे। देखो छोंक के लिए हम क्या क्या ले रहे हैं। सरसों, करी पत्ता, सूखा मिर्च लिए हैं, उसको हम छोंक मार रहे हैं चटनी में। सूखा मिर्च से सौंधा आता है, बड़ा मिर्चा से देखने में सो लगता है। तो हमारा चटनी छोंक मार दिए हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा दिख रहा है देखने में, आप लोग देख सकते हैं। टेस्टी खाने में भी लगता है गाय, ट्राई कीजिए अपना घर में आप लोग बनवा के, देखने में बेहतरीन लग रहा है। तो हमारा ये इडली का आटा हमारा रेडी है। हम रात को पीस के रख चुके थे गाइस फ्रिज में, तो अभी हम इसको डाल रहे हैं। थोड़ा हल्का हल्का ऑयल लगा ले रहे हैं क्योंकि थोड़ा चिपके ना, तो हम सारा ऐसे ही लगा लगा ले रहे हैं, आप देख सकते हो गाइस। हमारा इडली को रात में रखने से गाइस सुबह बनाने से बहुत सॉफ्ट होता है। अब गाइस प्लीज़ प्लीज़ इसकी ट्राई कीजिएगा, बाहर का होटल कैंटीन फेल है ये रेसिपी इडली का खाने के बाद। तो हम इडली में देखो छाँचा में डाल चुके हैं जो हमारा पिसा हुआ आटा रखे थे, उसके बाद हम एक एक करके सब बैठा दे रहे हैं गाइस। बैठाने के बाद में धीरे धीरे ले रहे हैं, कहीं गीला रहता है ना, कहीं इधर उधर हो ना जाए, आप लोग देख सकते हो गाइस। धीरे से लेके इसको बैठाए हैं, तो इसको हम ढक्कन लगा देंगे, सीटी मारने के लिए छोड़ देते हैं। कम से कम 10 मिनट भाप में रखते हैं। 10 मिनट के बाद हम आपको बताते हैं कैसा मेरा इडली तैयार हुआ। अभी चलो सांभर का रेसिपी हम आपको बता रहे हैं। कद्दू, लौकी, गाजर, अरहर दाल, हम अपना हिसाब से सब्जी ली हूँ जो घर में अवेलेबल था। तो आप इसमें मुनगा सीटी भी डाल सकते हो, उसमें बहुत सारा चीज़। आज सांभर में जाए गाइस टमाटर ज़्यादा पड़ता है, इमली भी पड़ता है, तो मेरे पास अवेलेबल नहीं था, जो था वो डाल दी हूँ। क्यों, थोड़ा सा सांभर चाहिए इडली में। चटनी का तो रेसिपी दिखा दी सांभर का, हल्दी पड़ चुका है, मिर्चा पड़ चुका है, गोल मिर्च, थोड़ा सा जीरा पाउडर दी हूँ और अमचूर का खट्टी दो हूँ। इडली हमारा देखो रेडी हो गया, कितना हल्का कितना सॉफ्ट हुआ है गाइस, आप देख सकते हो माशाल्लाह। ज़रूर कॉमेंट में बोलो गाइस माशाल्लाह। तो हमारा बहुत अच्छा हो चुका है। उसके बाद में हम आपको दिखाते हैं सांभर को छौंक कैसे मारते हैं। सांभर हमारा तो रेडी हो चुका है। सांभर को मैं छोंक मारने के लिए हूँ, थोड़ा सा प्याज रेड करी हूँ, उसमें करी पत्ता, सरसों, सूखा मिर्चा और एक टमाटर, थोड़ा सा खाने में टेस्ट लगे बोल के इसीलिए उसमें हम थोड़ा सा मिर्चा पाउडर डाल के इसमें हम छोंक लगा दिए हैं। देखो सांभर हमारा रेडी है। छोंक लगाने टाइम में दिखाई नहीं गाइस, इसके लिए भूल गई थी, सॉरी। तो हमारा देखो इडली का पूरा रेसिपी रेडी। आप अपना घर में ट्राई कीजिए, खाइए, खिलाइए अपना दोस्तों यार परिवार, हस्बैंड, बच्चे सबको, माशाल्लाह बहुत अच्छा बना है। आप लोग भी ट्राई कीजिए अभी।